शेर हिंदुस्तान, शेर हिंदुस्तान, मुफ्ती सलमान अज़हरी। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हो गई और उन्हें कहा जा सकता है कि गुजरात हाई कोर्ट ने पहले रिहाई नहीं दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये माना कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के स्पीच में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से आपसी सौहार्द बिगड़ जाए। और आज मुफ्ती सलमान अज़हरी सुबह सवेरे जेल से आज़ाद हो गए। 8-9 महीने का मुसलसल इंतज़ार, और उस इंतज़ार के बाद वो घड़ी आई जब मुफ्ती सलमान अज़हरी जेल से, वडोदरा जेल से रिहा हुए और अपने घर के लिए निकले। वो हुबली गए, अपने घर की तरफ गए, और आज उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब सामने आ गया है। जो वीडियो आप को हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये आज की तस्वीर है। जी हाँ, 8-9 महीने के बाद आखिरकार वो वीडियो सामने आया जिसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी खुद नज़र आ रहे हैं। बहुत लंबा अरसा, बहुत लंबा इंतज़ार। तमाम सामईन जो हमारे हैं वो लोग लगातार हमसे ये बात कहा करते थे। कुछ लोग तो इतने ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि ये कहा करते थे कि सदम भाई जेल के अंदर का वीडियो जुगाड़ कर दीजिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन खैर, आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल से रिहा हुए। उसके बाद उन्होंने जो है सीधे तौर पर ये चाहा कि वो अपनी अपने घर जाए, अपनी माँ से मुलाकात करे, और इसके लिए उन्होंने जो है उनके भाई और कुछ दीगर लोग ही बस सुबह सवेरे आए और उन्हें जेल से निकाल करके ले गए। बस इस वजह से कि अगर सबको कह करके ले जाते, इसलिए सोमवार का कहा गया था। प्लानिंग ये थी कि आज ही निकाला जाए, सोमवार का इसलिए कहा गया ताकि लोगों को लगे कि सोमवार को आएंगे तो भीड़ नहीं लगाया गया, और ये लोग जो है आसानी से निकल गए। उसके बाद बाई प्लेन जो है ये लोग जो है सफ़र किए, और उसकी एक तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उनके भाई साहब काबिले मुबारकबाद हैं। उनकी ये मेहनत लगातार, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा था वो उनके भाई थे, और उन्होंने मुसलसल मेहनतें की और वो कामयाब हुए। वक्त ज़्यादा लगा, इसमें कोई शक नहीं है, देर हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए कहा जा सकता है। मुझे गांधी जी का वो कोट याद आता है कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और अंततः यही हुआ कि शेर वापस आ गया है। आपको बताते चले कि जब मुफ्ती सलमान अज़हरी पहुंचते हैं उस वक्त उनसे कई सारे लोग मिलने के लिए पहुंचे, जिसके स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं। लोग नारा लगा रहे हैं लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह का, और साथ ही साथ ये भी नारा लगाया जा रहा है कि कौन आया कौन आया, शेर आया शेर आया। इस तरह की तस्वीरें और इस तरह के वीडियो जो है अब सामने आ रहे हैं। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। वापस आ गया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, शोर भी आएगा। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, डार के पास देखो। तो आपने देखा इस वीडियो क्लिप को। आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं वो अपने घर पहुंच चुके हैं, और अब उनका ये पहला वीडियो सामने आ गया है। आप उनके चेहरे की मुस्कुराहट को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, और शायद आप को भी ये मुस्कुराहट जो है वो सुकून देगी कि अंततः मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अपने घर पर हैं। फाइनली ये जो कहा जा सकता है जिस लम्हे का इंतज़ार था वो लम्हा पूरा हुआ। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल से आज़ाद हुए। उनके ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम पूरी तरीके से गलत साबित हुए। जो प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट का इस्तेमाल किया गया वो गलत तरीके से किया गया, और अब तो मुझे लगता है कि अब खैर ये मुफ्ती साहब का और उनके लीगल टीम का अपना मामला है। उन्हें चाहिए कि इस मामले में जो है वो जिन लोगों ने जो है एक ट्रैप के तहत इन्हें फंसाया और इनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, उन लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई की मांग की जानी चाहिए, और उनके ऊपर जो है लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए। खैर, ये उनका अपना निजी मामला है। और ये तस्वीर जो है हमने आपको दिखाई, आप तमाम लोग इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।